मध्य प्रदेश में ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर नामांकन के लिए प्रत्याशियों का तांता देखने को मिला। भाजपा कांग्रेस सहित यहां अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपने समर्थक और कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। ऐसे में कलेक्ट्रेट परिसर में पार्टियों के बीच गहमा गहमी भी दिखाई दी। नामांकन दाखिल करने वालों में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, आम आदमी पार्टी से रोहित गुप्ता, कांग्रेस के सुनील शर्मा, भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह, आम आदमी पार्टी के पंकज गुप्ता, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनोद कराना सहित कई प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने पहुंचे। इसके बाद सभी प्रत्याशियों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत का दावा किया। शासन के नियमानुसार मैंने अपना नामांकन आज दाखिल किया है और मैं इस प्रत्याशा के साथ नामांकन दाखिल कर रहा हूँ। जनता जनार्दन परिवर्तन चाह रही है और उस परिवर्तन का हमारे सामने एक ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है कि प्रचंड बहुमत से मुझे विजय प्राप्त होने वाली है। देखो साहब, बार बार आप लोग दिग्गज शब्द इस्तेमाल करते हैं, दिग्गज क्योंकि इसलिए वो इस फील्ड में हमसे पहले से, उन्होंने अपना कर्म राजनीतिक किया है, हम राजनीतिक कर्म अब कुछ समय पश्चात कर रहे हैं। वो अब इसके आगामी जो रिजल्ट्स आएंगे, आप भी हमको दिग्गज शब्द इस्तेमाल करके बोले, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे केजरीवाल साहब की गारंटी, शब्द से हम लोग पालन करेंगे। 10 गारंटियां हैं, उन गारंटियों को हम लोग सबसे पालन करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। जनता जनार्दन का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है और तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद देता हूँ।